आप लोगों को ऐसे प्लांट दिखाऊंगी बताऊंगी कि बिना ही ग्रेनेट के और कड़ाके की धूप में कितनी भी गर्मी हो भयंकर गर्मी में भी प्लांट चलेंगे, कभी नहीं ख़राब होंगे। ऐसे प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी, और अगर नहीं है तो आप मेरे से ले लीजिएगा और फ्री में लगा लीजिएगा, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से प्लांट है। फ्रेंड वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं, अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बिना ही नट के कड़ाके की धूप में इस तरह के जो कड़ाके की धूप निकलती है वो प्लांट बिना ही नट के चलते हैं और कड़ाके की धूप में चलते हैं, ख़राब नहीं होते, बस आप उनको पानी पर डालते जाइए आसानी से चलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही प्लांट दिखाऊंगी कि भयंकर गर्मी में भी चल जाते हैं। तो वीडियो बने रहिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड मैं इन प्लांटों के बारे में बात करने वाली हूँ, ये प्लांट कड़ाके की धूप में चलते हैं, इनको कुछ नहीं होता, देख लीजिए उस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बम्फर गर्मी है फिर भी ये प्लांट देखिए लगे किस में है, मेरे प्लास्टिक बोतल में लगे हैं, जो ई रिक्शा के बैटरी वाली बोतल पानी आता उसमें लगा के रखा है मैंने, इनको कोई बड़ा गमला नहीं दिया, देखिए प्लास्टिक बोतल में लगे हुए हैं और कितने लॉन्ग हो चुके हैं और कितने हेल्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं फ्रेंड ये वाले प्लांट, और कमल के आकार का बनता है ये, ये देख लीजिए मेरे पास इनके यही वैरायटी है, और तीन वैरायटी है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं, एक मेरे पास ये है और एक ये है, सभी इसी के आकार के हैं, ये देख सकते हैं, इसमें हरा है और लाइनिंग येलो की है, ये भी हरा है लाइनिंग येलो की है, सभी ई रिक्शा के बैटरी वाली बोतल में लगे हुए हैं, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। इन प्लांटों को कुछ नहीं होता, ना ही ख़राब होते, ये देखिए मैंने इनको कट भी किया है, अगर ऊपर की ग्रोथ होती जाए तो नीचे से आप कट करते जाइएगा, बहुत अच्छा इनका आकार बनता है। फ्रेंड ये प्लांट बिना ही केयर में बहुत अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, हालाँकि इन प्लांटों को बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते, ये बहुत अच्छे चलते हैं। कोई कोई प्लांट होता है कि मतलब जैसे ये धूप में ख़राब होते हैं फ्रेंड, तो ये वाले प्लांट जो हैं धूप में नहीं ख़राब होते हैं, आप इनको धूप में वे झिझक जितनी भी धूप लगे फिर भी ये प्लांट चलते हैं, बस इनके कांटे होते हैं तो इनको कांटों को आप कट कर दीजिए। ये देखिए मेरी लड़की ने लाई थी कुछ खाने के लिए, तो उनमें से ये क्ले निकली थी, तो उसी क्लो को यहाँ पे इस तरह से गोल बना करके राउंड राउंड ऐसे लगाई हुई थी, ये देखिए यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, जितने में हुई थी उतने में उसने लगाया हुआ था, और मैं इनके कांटे कैंची से कट कर देती हूँ फ्रेंड। बाकी ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप इनको जैसे आपके फील्ड बहुत बड़ी है तो आप इनको बाहर के साइड सजाने के बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड, इनका बड़ा आकार आता है ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, आप इनको गेट के अगल बगल रख सकते हैं, मैंने बहुत सारे गार्डन में देखा है ये प्लांट की मतलब साइड में ही अगल बगल रख देते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड। यही कुछ मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि मैं इस तरह से इनको रख पाऊँ, इसलिए मेरे ये गमले में ही इसी तरह लगे हुए। देखिए इनके बेबी भी बहुत सारे निकलते हैं, ये एक से हज़ारों बनते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये बेबी निकला हुआ तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और ये देखिए कितने छोटे छोटे से बेबी निकाला, इतने बेबी निकाले, इतने बेबी की पूछो ना फ्रेंड, इनके बहुत सारे बेबी निकलते हैं, सभी गमले में इनके बेबी निकले हुए हैं, और बहुत सुंदर हैं ये प्लांट, बहुत अच्छे से चलते हैं, मैंने बताया ना कि केयर नाम मात्र बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, और इनके बेबी बहुत सारे निकलते हैं, मैंने सिर्फ एक एक बेबी से ही इतने प्लांट बना लिए हैं। जब मैंने गार्डन की शुरुआत की थी आप लोगों से बता दूं तो मैंने सिर्फ यही प्लांटों से शुरुआत किया हुआ था, क्योंकि ये प्लांट मुझे फ्री में मिले हुए थे तो मैंने यही वाले प्लांट लगाए थे, और ये वाले प्लांट मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, पूछो ना मैंने किन किन को दिया है, क्योंकि इनके बेबी इतने निकलते हैं कि बहुत सारे हो जाते हैं ये प्लांट, तो मैंने बहुत सारे लोगों को भी दिया है, और तभी भी ये प्लांट मेरे इतने बढ़ रहे हैं कि पूछो ना, बहुत सारे बेबी निकाल रहे हैं। अभी मैं दिखा रही हूँ, एक मेरे पास और रखा है, एक देखिए ये यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसके जो भी कट्टी का कार्टन है उसके अंदर ही घुसेड़ दिया है, क्योंकि ये देख लीजिए आप, ये थोड़ी बड़े गमले में लगा है तो इसका आकार बहुत बड़ा हो गया है, नीचे से कट करूँगी किस दिन टाइम लगा करके, कितना बड़ा हो गया है, अगर ये अलग से जगह है इसको मिट्टी में लगा दिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा घेरे से तैयार होता है फ्रेंड, और बहुत अच्छा लगता है, इसके भी बहुत सारे बेबी निकले हुए हैं, और ये देखिए ये भी वही आकार का है और प्लास्टिक बोतल में लगा है, और देखिए कितना बड़ा हो चुका है, कितना बड़ा है आप लोग देख सकते हैं, इसने भी बहुत सारे बेबी निकाला हुआ है, और ये देखिए एक बेबी यहाँ से ये निकला है,
ये निकले हैं, इनके इतने बेबी निकलते हैं फ्रेंड, ये देखिए ये सारे इनके बेबी हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बेबी निकालते हैं। ये देखिए मैंने इनके छोटे छोटे बेबी ये कफ में लगा के रखा था, ये कफ में मैंने लगा दिया था इनके बेबी, और एक साल से इसी में मैंने लगा रखा है। बस पानी भर दे देती हूँ, कोई केयर नहीं करती, हालांकि ये ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जिंदा है, मर भी नहीं रहे हैं, इसलिए मैं बेबी जो भी जैसे कोई मांग लेता है तो फिर यही बेबी दे देती हूँ, और उनसे भी निकाल के दे देती हूँ कि मेरा प्लांट फिर से खाली हो जाता है और फिर से इनमें से ग्रो हो जाता है। देखिए फ्रेंड कितना खूबसूरत लग रहा है, ये नीचे नीचे की पत्तियाँ जैसे कभी पानी देना भूल गई, दो दिन तीन दिन हो जाता है पानी नहीं दे पाती, तो इसकी वजह से ये इनकी पत्तियाँ सूखी है। बाकी ऊपर की देखिए कितनी हरी है, इस तरह के धूप में भी बिना ही ग्रीन नेट के ये लगे हैं, और ऊपर से भी देखिए कितनी ज़्यादा हरे हैं एकदम से पत्ते, है ना। और यह इसको भी देखिए, तो आप लोग कमेंट बताइए कि ये वाले प्लांट आप लोगों को कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। और ये प्लांट आप लोग गर्मी में, और ये कड़ैल भी बिना ही ग्रीन नेट के मेरा इधर लगा हुआ है, फ्लावरिंग भी कर रहा है बिना ही ग्रीन नेट के, इधर ये वाले मेरे प्लांट रखे रहते हैं, इनको मैं नेट नहीं डालती हूँ। इधर साइड कुछ प्लांट है जो मेरे इधर साइड के भी ऐसे ही रखे रहते हैं, इधर साइड के भी ऐसे रख रहे, कुछ प्लांट है जो बिना ही ग्रीन नेट के मेरे रखे रहते हैं। तो ये वाले प्लांट बहुत तेज़ी से चलते हैं, आप अगर नेट की कोई व्यवस्था नहीं है तो आप ये वाले प्लांट बेझिझक लगा सकते हैं, पूरी गर्मी चलेंगे, आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मेरा प्लांट सूख गया, कितनी भी गर्मी हो अगर दो दिन नहीं पानी डालोगे फिर भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ऐसे ये प्लांट है, बहुत हैडी होते हैं, बहुत ही कमाल के प्लांट है ये, बस थोड़ी कांटों का डर रहता है कि लगे ना, बाकी कौन सा हमें इनको डेली, हाँ ये थोड़ी सी इनके यहाँ साइड से निकलते हैं ना, थोड़ी दिक्कत होती है कहीं हाथ में जल्दी से लग ना जाए, बाकी ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, है ना गजब के ये प्लांट। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसी लगी जानकारी, अगर लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, अगर नहीं मिल रहे नर्सरी में लेने जाओगे तो 200-250 से यहाँ नहीं मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि जब मैंने पूछा था तो 150 बता रहे थे, 150-250 ऐसे ये वाले प्लांट मिलते हैं, और हम आप लोगों को फ्री में दे देंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, मैं इनको निकाल के दे दूँगी क्योंकि इनके बेबी बहुत सारे निकलते हैं फ्रेंड। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।